हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप। इस क्विक वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इन केस ऑफ एमरजेंसी सीजीएचएस का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं। वीडियो बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के एंड में दो इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें बता दूंगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट कर लेते हैं कि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई है, तो मेरी राय मानिए कि आप सबसे पहले जाके किसी भी सीजीएचएस अप्रूव हॉस्पिटल में एमरजेंसी पे अपना एडमिशन करा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको अपने वेलनेस सेंटर से, चाहे आप रिटायर्ड हैं या फिर आप सर्विस में हैं। दोनों ही केसेस में आप डायरेक्टली एमरजेंसी में जाके एडमिट हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं एमरजेंसी दो बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको ओपीडी में जाके एडमिट नहीं होना है, आपको जो एमरजेंसी है वहीं पे जाके एडमिट होना है, एमरजेंसी में ही एडमिट होना है, तभी आपको रिफंड मिल पाएगा या फिर आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो। अब फर्स्ट कर लेते हैं कि आपका एडमिशन हो गया, एडमिशन होने के बाद आपको ट्रीटमेंट मिल गया, आप ठीक भी हो गए। तो अगर आप तो रिटायर्ड हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जो हॉस्पिटल है बिना किसी चार्जेस लिए डिस्चार्ज कर देगा। लेकिन अगर आप सर्विस एम्प्लॉई हैं तो आपको जो बिल बनता है, जो भी सीजीएचएस के हिसाब से डिस्काउंटेड बिल बनेगा, वो आप पे करेंगे। पे कर देने के बाद आपको दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंटली वहाँ से लेनी है। जो भी बिल आपने पे किया है वो बिल्स की कॉपी लेनी है आपको, ओरिजिनल बिल्स लेने हैं। दूसरी चीज़, आपका एडमिशन हुआ था एमरजेंसी में, तो उस टाइम पे आपको एक एमरजेंसी सर्टिफिकेट जो है वो इशू कराना पड़ेगा अपने हॉस्पिटल से। तो बेटर इज़ कि आपको भागना ना पड़े बार बार। तो जब भी आप ये चीज़ नोट कर लीजिए कि जब भी आपकी बिलिंग होगी, बिलिंग के साथ ही बिलिंग काउंटर पे बोल दीजिए, नहीं तो फिर आपको डॉक्टर को बोलना पड़ेगा। डॉक्टर को बोलिएगा कि आप उनको जो है, हमें यहाँ पे एमरजेंसी में एडमिट हुए थे तो मैं एमरजेंसी सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो एमरजेंसी सर्टिफिकेट और वो बिल, ये दो चीज़ें जो हैं अगर आप अपने ऑफिस में देंगे रिफंड के लिए, तो आपका 100% रिफंड हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सो अगर वीडियो को मैं समअप करूँ तो तीन चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नंबर वन, आपको जाना है किसी भी सीजीएचएस अप्रूव्ड हॉस्पिटल के अंदर ही, और आपको एडमिट होना है एमरजेंसी के अंदर, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको एमरजेंसी सर्टिफिकेट डॉक्टर से ले लेना है, और ये वाला एमरजेंसी सर्टिफिकेट इमीडिएटली जब आप एडमिट होते हो उसी टाइम ही मिल सकता है, तो ये आपके ऊपर है कि आप उसको कब लेना चाह रहे हैं। और एक बहुत ही छोटी गलती मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जनरली गलती नहीं होती है, लेकिन फिर भी जब भी आप एडमिशन लें एमरजेंसी में, प्लीज़ मेक श्योर हॉस्पिटल को ये इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आप सीजीएचएस पैनल के अंदर हैं। प्लीज़ मेक श्योर, कई बार वो वैसे तो काउंटर पे पूछती हैं, लेकिन फिर भी अगर वो मिस कर जाएं तो आपको ज़रूर बताना है कि आपका एडमिशन सीजीएचएस पैनल के अंदर ही हो रहा है। सो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से सीजीएचएस कार्ड आप यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एमरजेंसी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।